हेलो स्टूडेंट्स, अगेन योर वेलकम एट कनादी क्लासेस. द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज. ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. इफ दिस सिचुएशन पॉसिबल इफ यू डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स. दो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो एज है, उन दोनों की एजेस का जो सम है वो कितना ईयर्स है, 20 ईयर्स है. यस स्टूडेंट्स, अब कंडीशन कहती है हमारी 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48. इज दिस सिचुएशन पॉसिबल इफ यू डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, दैट मीन्स अगर ये करेक्ट है, तो हमें डिटरमाइन करनी है उनकी प्रेजेंट एज. तो फिलहाल में उनकी एज बतानी है. अगर ये हमारी सिचुएशन सेटिस्फाइज को कर जाती है, इस कंडीशन को, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड क्या करना है. यस, प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना, तो हम डिटरमाइन जो करना है उसको सबसे पहले लेट करते हैं. यस स्टूडेंट्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स ईयर्स नाउ एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल्स टू वाई ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 4 ईयर्स अगो. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए उन दोनों की जो एजेस है उनका सम कितना है. यस, सपोज करो टू फ्रेंड्स है, ठीक है, एक को हमने एक्स मान लिया, दूसरे को भी अज्यूम करेंगे, और दोनों का सम कितना है, 20. तो ये वाला हमें निकालना है, तो इसको हम एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं. यस, एक्स को इधर देख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. 20 माइनस एक्स यहाँ पर लिख दिया, 20 माइनस एक्स ईयर्स. यस स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये कह रहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, दैट मीन्स 4 हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है इन दोनों की एजेस में से. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कर देंगे x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों की एजेस का 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट कितना आता है, इन दोनों का आता है 48. यस स्टूडेंट, 48 आता है. अब हम x माइनस 4 को तो एज इट इज लिखे रहने देंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, ये हो गया 16 माइनस एक्स. यस स्टूडेंट्स, हमने लिखा 48. आगे देखते हैं हम, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 16 माइनस एक्स के साथ में. अगेन माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स के साथ में, हमें मिलेगा इक्वल्स टू 48. आगे हम यहाँ पर भरते हैं, हमें मिला 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48 इक्वल्स टू 48. यहाँ पर अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो एक्स एक्स वाले टर्म क्या हो जाएंगे, प्लस 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 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64. देखिए स्टूडेंट्स, हम 48 को इधर ले आएंगे, तो साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है. एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, एज इट इज इसे ऐसे ही लिखेंगे. अब हम देखते हैं प्लस 20x है, इसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व. माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गया, तो हमें मिला माइनस 112 इक्वल्स टू 0. अब मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर में कभी भी क्या नहीं रहने देते, नेगेटिव नहीं रहने देते, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0. यस स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम इसका ना डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ, ताकि हमें इससे पता चल जाएगा कि जो गिवन इक्वेशन है ये हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है या फिर
नहीं कर रही. यस इज दिस एग्जिस्टेंस और नॉट. यस स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं इसको तो हमें पता है जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. उसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. हम जैसा कि यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस 112 इक्वल्स टू जीरो. यहाँ से हमें ए मिला, ए इक्वल्स टू मिला हमें वन एंड बी इक्वल्स टू हमें क्या मिला माइनस ट्वेंटी एक्स. यस स्टूडेंट सी हमें मिला 112. यस हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब हमें देखना है बी कितना है हमारा 20. हाँ 20 लिखेंगे यहाँ पर. यस बी कितना है हमारा यहाँ पर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4. ए क्या है हमारा 1, सी क्या है हमारा 112. ओके 20 का स्क्वायर क्या है हमारा 400. यस स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इससे करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 448. यस स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 48. अब हमारे पास कितनी कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, 3 कंडीशंस होती हैं. यस हमें पता है कितनी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, 3 कंडीशंस होती हैं. और वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस हमारी होती हैं ये वाली, अगर हमारा जो डी है इक्वल्स टू क्या हो ज़ेरो होता है तो क्या होती हैं रूट्स, कैसे होते हैं रियल और इक्वल होते हैं रूट्स, कैसे होते हैं रियल और इक्वल होते हैं. अगर हमारा डी ग्रेटर देन ज़ेरो होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है तो रियल और अनइक्वल होते हैं रूट्स हमारे. यस जब हमारा डी स्मॉलर देन ज़ीरो होता है तो ये होता है हमारा नो सॉल्यूशन. व्हाट नो सॉल्यूशन होता है. अब स्टूडेंट्स हमें देखना है जो हमारा डी है वो क्या है, ना ही तो ज़ीरो के इक्वल है ना ही ये ज़ीरो से बड़ा है, ये है ज़ीरो से छोटा. दैट मीन्स नेगेटिव में जो नंबर होते हैं ना वो ज़ीरो से छोटे ही होते हैं. तो ये स्टूडेंट नो सॉल्यूशन होता है. अब जो नो सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स जो हमारी ये इक्वेशन है इसके हम क्या नहीं कर सकते, रूट्स फाइंड नहीं कर सकते. द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. इसके कैसे हैं नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स हैज़ नो रियल रूट्स. ओके हम लिख सकते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके स्टूडेंट्स हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इजीली इसको समझा दिया है, हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ओके वील फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स.